जो स्टेप दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस स्टेप को समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो दोस्तों ये चीजें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं ठीक है तो कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे करना है तो चलिए दोस्तों हम लोग सभी चीजों को एक एक करके सीखते हैं कि हम इस तरह का टेक्स्ट टू वॉइस वाली वीडियो हम कैसे बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी वीडियो शुरू करते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता इस तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे गूगल पे स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्यूटोज को गूगल पे सर्च करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे क्यूटोज मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये क्यूटो मिल गए हैं ठीक है बहुत सारे हैं अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां से इस क्यूटो को कॉपी करेंगे जो जो दोस्तों आपको बढ़िया लगता है ठीक है जो जो क्यूटोज आपको बढ़िया लगता है उन्हीं सब क्यूटो को दोस्तों आप एक एक करके कॉपी करेंगे उसके बाद दोस्तों उसे एम एस वर्ड में पेस्ट करते जाएंगे अगर दोस्तों आप अपने फोन में ये चीजें कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने फोन में भी कोई एक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए जिसमें दोस्तों आप चीजों को यानी कि अपने स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर सके ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे हमने एम एस वर्ड ओपन कर लिया है अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस क्यूटोज को क्या करेंगे यहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम इसे पेस्ट करेंगे एंटर करेंगे दो बार फिर दोस्तों हम लोग यहां से दूसरा क्यूटोस कॉपी करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम इसे पेस्ट कर देंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दस क्यू को हमने गूगल से कॉपी कर लिया है उसे दोस्तों हमने एमएस वर्ड में पेस्ट कर दिया है और उसके बाद दोस्तों इसके बीच में हमने थोड़ा सा जो है गैप भी रखा है ठीक है और ये गैप कितना है यानी कि दो बार एंटर प्रेस करके दो लाइन का गैप है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इन सभी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे इसे कॉपी करने के बाद दोस्तों इसे मिनिमाइज करेंगे उसके बाद दोस्तों अब हम लोग नया टैब ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों अब हमें एक नई वेबसाइट पे जाना है और वो वेबसाइट है दोस्तों क्लिप चैम सी एल आई यहाँ पे दोस्तों आपको गूगल में सर्च करना है क्लिप चैम वीडियो एडिटर उसके बाद दोस्तों आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा एप डॉट कॉम ठीक है आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा एप डॉट डॉट कॉम तो आपको क्या करना है इस वेबसाइट पे आ जाना है तो ये वेबसाइट दोस्तों कुछ इस तरह से ओपन होता है तो इसे हम लोग सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और ये सारी चीजें दोस्तों मैं गूगल क्रोम में कर रहा हूँ तो दोस्तों मोबाइल फोन में गूगल क्रोम अगर आप यूज करके ये सारी चीजें करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें मोबाइल में भी कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉग करने के लिए कहेगा तो दोस्तों आप यहाँ अपने गूगल अकाउंट से लॉग हो जाएंगे गूगल अकाउंट से लॉग होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू वीडियो आपको क्रिएट ए न्यू वीडियो पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप क्या करेंगे इस चीज को हाइड कर लेंगे सबसे पहले आप इस चीज को हाइड कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसा कुछ ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इन चीजों को कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है रिकॉर्ड एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों इन सभी ऑप्शन को छोड़ देना है यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट टू स्पीच आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका स्क्रिप्ट अगर इंग्लिश में है तो दोस्तों आप यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे दोस्तों अगर आपका स्क्रिप्ट हिंदी में है तो दोस्तों आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों आप इसके पीच को थोड़ा सा क्या करेंगे स्लो कर देंगे ठीक है थोड़ा सा आप स्लो करेंगे उसके बाद दोस्तों अगर आप मेल का चाहते हैं, तो दोस्तों, दोस्तों वॉयस तो स्टाइल दिया गया है बट ये अभी इनेबल नहीं है लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों में ये भी आ जाएगा ठीक है आपको दोस्तों यहाँ पे वॉइस स्पीच बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट को जो स्क्रिप्ट दोस्तों आपने एमएस वर्ड में कॉपी पेस्ट करके बनाया था एमएस वर्ड वाले सभी टेक्स को यानी कि अपनी पूरी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और उसके बाद दोस्तों उस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इसे जो है यहाँ पे सुन करके देखेंगे कि आपका जो ऑडियो है वो किस तरह का बन रहा है ठीक है कोट एक उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए दो खुद को कमजोर पे ये जो लिखा हुआ है कोट वन कोट टू तो दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसे हटा देंगे ठीक है जो चीजें सुनने में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है तो दोस्तों आप क्या करेंगे उस चीज को अपने स्क्रिप्ट से हटा लेंगे तो दोस्तों हमने इस चीज को यहाँ से हटा लिया है और यहाँ से दोस्तों एक बार इसे सुन करके देखते हैं कि इस बार हमारा वॉइस जो है कैसा बन रहा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता तुमको सब कुछ खुद अंदर तो से, से सीखना है ये सारी चीजें कर लेते हैं इसे दोस्तों मैं थोड़ा सा स्लो ही रखूंगा सेव टू मीडिया अभी दोस्तों फिलहाल हमने डिफॉल्ट पीच पे ये सारी चीजें किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है जनरेट हो गया है तो दोस्तों अब हमें क्या करना है इस वॉयस को यहाँ पे टाइम में रख लेना है कुछ इस तरह से उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसे कुछ भी नहीं करेंगे अगर आपको लगता है कि यहाँ से इसकी वॉयस को बढ़ाना चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ से जो है इसकी वैल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ मिलेगा आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसे दोस्तों मिनिमम क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे ठीक है आप फोर एट्टी पी रेजुलेशन में इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो ऑडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव करने के लिए कहेगा तो दोस्तों आप यहाँ पे तो दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे, दे देंगे और इसे सेव कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है एम पी फोर वीडियो बन जाएगा ठीक है अभी दोस्तों ये ऑडियो नहीं बना है अभी ये दोस्तों क्या बना है एम पी फोर वीडियो बना है दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों आप इसे मिनिमाइज करके यहाँ पे देख सकते हैं और इसे सुन भी सकते उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति तो ना हो जाए ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है दोबारा से गूगल क्रोम में जाना है उसके बाद दोस्तों आप दूसरा टैब ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों अब आपको गूगल में टाइप करना है क्लाउड कन्वर्ट तो दोस्तों आप गूगल में टाइप करेंगे क्लाउड कन्वर्ट उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इस वेबसाइट पे आ जाना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे दोस्तों हमने उस फाइल को रखा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे और इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे अब दोस्तों हम इस एम पी फोर फाइल को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वेब फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे या एम पी थ्री में अगर आप ये चीजें करना चाहते हैं तो आप एम पी थ्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ से वेब फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा उसके बाद दोस्तों मैं कन्वर्ट पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से दोस्तों एम पी फोर वीडियो जो हमारा था वो हमारा एम पी थ्री बन जाएगा यानी कि अभी जो दोस्तों हमारा वीडियो था वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दोस्तों जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आप क्या करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और इसका नाम दोस्तों थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑडियो ठीक है ऑडियो और सेव कर देता हूं अब दोस्तों हमें क्या करना है एक अलग वेबसाइट पे जाना है या तो दोस्तों आप स्वामी विवेकानंद लेकर के गूगल में भी अगर आप सर्च करते हैं तो दोस्तों आपको जो है स्वामी विवेकानंद की इमेज गूगल पे भी मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे टूल पे क्लिक करना है ठीक है अगर आप ये चीजें मोबाइल फोन में कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में गूगल क्रोम को जब आप ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टूल का ऑप्शन मिल जाएगा आप टूल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज राइट ठीक है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला इमेज यहाँ से ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों जब आपके पास इस तरह का ऑडियो रेडी हो जाता है और जब आप दोस्तों इस तरह का इमेज भी गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है ऑडियो को एडिट करने के लिए दोस्तों आप ऑडा सिटी ओपन करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इस ऑडियो फाइल को ऑडा सिटी में लेकर के आएंगे उसके बाद दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिससे आप इसकी बेस को बढ़ा सके ठीक है तो दोस्तों हम लोग यहाँ से इसकी बेस को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों ओके okay कर देंगे तो दोस्तों इसमें इस तरह से बेस ऐड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हम लोग वापस से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और वापस से दोस्तों हम लोग उसी ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग ट्रबल बुश इसमें ऐड कर देंगे और ओके okay कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों इसमें ट्रबल बुश इफेक्ट ऐड हो जाएगा इतना होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा डिले तो दोस्तों आप इसमें डिले इफेक्ट ऐड कर देंगे ठीक है बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से ये सारी सेटिंग कर लेंगे और ओके कर देंगे ठीक है लेकिन ओके करने से पहले दोस्तों आप एक बार इसका प्रिव्यू चेक कर सकते हैं उठो, जागो और, उठो जागो, जागो और तब तक मत तक मत रुको जब लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा गूंज रहा है यानी कि इसमें ज्यादा इको आ रहा है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इस इको को थोड़ा सा कम कर लेंगे ठीक है यहाँ से इस इको को कम कर लेंगे उठो जागो और तब तक उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए दोस्तों हम लोग ओके कर देंगे और लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों लिमिटर इफेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे ठीक है तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा यानी कि दोस्तों आप अपने हिसाब से इसे जो है ऑडा सिटी में एडिट कर सकते हैं ताकि ये और ज्यादा नेचुरल हो जाए ठीक है उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट में जाएंगे और इसे दोस्तों वेब फॉर्मेट में वापस से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने जो है एक फ्रेश ऑडियो आ जाएगा तो दोस्तों आपने देखा पहला स्टेप था दोस्तों कि आपको गूगल से टेक्स को कॉपी पेस्ट करके एक स्क्रिप्ट तैयार करना है दूसरा स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है क्लिप चैम वेबसाइट पे जाना है और यहाँ जा करके दोस्तों आपको क्या करना है टेक्स को वॉइस में कन्वर्ट करना है एक्सपोर्ट करके दोस्तों आपको MP4 वीडियो बना लेनी है फिर दोस्तों आप क्लाउड कन्वर्ट डॉट कॉम पर जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस तरह से दोस्तों आपके पास क्या हो गया कि ऑडियो तो आ गया है और लास्ट में दोस्तों हम लोग आप अपने हिसाब से इसे जो है ऑडा सिटी में एडिट कर सकते हैं ताकि ये और ज्यादा नेचुरल हो जाए ठीक है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे OBS स्टूडियो ओपन करेंगे जब दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में फर्स्ट टाइम OBS को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे सोर्स वाले ऑप्शन में जाना है उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां से आप इमेज सेलेक्ट करेंगे इमेज आप सेलेक्ट करेंगे ओके करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ आपने उस इमेज को डाउनलोड करके रखा है तो दोस्तों हमने इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है तो दोस्तों मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा और ओके कर दूंगा ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा इमेज आ जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों मैं इसे लॉक कर दूंगा ठीक है उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है प्लस आइकन पे दोबारा क्लिक करना है फिर दोस्तों हमें मीडिया सोर्स में जाना है मीडिया सोर्स में जाने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे ओके करेंगे ओके करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लेना है ब्राउज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है आपको उस फोल्डर में चले जाना है जिस फोल्डर में दोस्तों आपने जो वीडियो दोस्तों आपने बैकग्राउंड के लिए डाउनलोड किया है आप क्या करेंगे उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे लूप पे चेक टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे राइट क्लिक करना है यहाँ पे दोस्तों राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे एडेक्टिव मोड सेलेक्ट करेंगे ताकि दोस्तों ये चीजें यहाँ पे इस तरह से दिखता रहेगा इतना होने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे इसे लॉक कर देंगे दोस्तों अगर आप इस इमेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें कुछ फिल्टर ऐड कर सकते हैं यानी कि आप इस इमेज पे राइट right क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कलर की मिल जाएगा कलर करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों आप कलर करेक्शन ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ ओके okay करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है कलर करेक्शन कर सकते हैं यानी कि इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा और अब दोस्तों आप इस ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑडियो को दोस्तों यहाँ पे सोर्स में ऐड कराने के लिए आपको क्या करना है प्लस आइकन पे क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से मीडिया सोर्स सेलेक्ट करनी है उसके बाद दोस्तों आप इसका नाम ऑडियो रख सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों ओके कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे ब्राउज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ऑडियो जिस फोल्डर में है आप उस फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों वहाँ से आप उस ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करेंगे ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसे ओके कर देंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ से इसे स्टॉप कर देंगे ठीक है स्टॉप करने के बाद दोस्तों अब आप इसे लॉक कर देंगे अब दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए ऑडियो मिक्सर में ठीक है तो ऑडियो मिक्सर में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है ये जो ऑडियो सोर्स आपने ऐड किया है इस ऑडियो को तो दोस्तों आपको म्यूट नहीं करना है बाकी सभी ऑडियो को दोस्तों आपको क्या करना है म्यूट कर देना है कुछ इस तरह से आप इसे म्यूट कर देंगे ठीक है माइक को भी दोस्तों आप यहाँ से म्यूट कर देंगे सिर्फ आपको यहाँ पे ऑडियो सोर्स को रहने देना है इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है ठीक है यहाँ से आप रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करके इसे प्ले कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे ठीक है प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑडियो सोर्स हमने ऐड किया है आप अगर इसे सुनना चाहें मॉनिटर करना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करके इसे क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि जब आप इसे यहाँ से प्ले करेंगे तो ये ऑडियो दोस्तों आप अपने हेडफोन में सुन भी सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से इसे प्ले उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति से ना हो जाए। हम लोग इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे ही दोस्तों ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये चीजें ये जो लाइनें यहाँ पे बढ़ रही थी वो लाइनें दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका रिकॉर्डिंग डन हो चुका है अब दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करके इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको छोटा सा और काम करना है कि आपको फाइल टैप पे क्लिक करना है यहाँ पे दोस्तों रिमोक्स रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उसके उसके बाद बाद दोस्तों दोस्तों आप वीडियो वीडियो फोल्डर में जाएंगे आपने जिस को रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ ओपन कर देंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा अभी जो दोस्तों हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है वो एम के वी फॉर्मेट में हुआ है तो दोस्तों इसे हमें एमपी फोर वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए रिमूव पे क्लिक कर देना है तो इस तरह से दोस्तों हमारा एमपी फोर वीडियो बन जाएगा यानी कि अब दोस्तों ये जो हमारा फाइनल वीडियो बना है ये हमारा यूट्यूब पे अपलोड होने के लिए तैयार हो गया है तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे फाइल पे क्लिक करेंगे सो रिकॉर्डिंग में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है फाइनल आउटपुट देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ खुद को कमजोर समझना खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता नहीं कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता और लास्ट में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर के इसे एडिट करना चाहे तो दोस्तों आप इस वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही आई होप कि जो भी चीजें मैंने आपको बताया है सिखाया है समझाया है आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं अपने भाई का मोटिवेशन बढ़ाएं